Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about the third property for beta function. हमने beta function की दो property जो हैं इसके पहले की first and second उसके लिए भी अलग separate video बनाया, आप हमारी integral calculus की playlist में जाके देख सकते हैं उसको और वहाँ पे उसको समझ सकते हैं। तो first property हमने discuss की थी, मैं आपको बता देता हूँ कि beta function of m n जो होता है वो equal होता है यहाँ पे beta of n m के, यानी कि इसका उल्टा जो होता है वो उसके equal यहाँ पे होता है। देन हमने सेकेंड प्रॉपर्टी की बात की थी, वो होता है बीटा फंक्शन ऑफ एम एन जो होता है वो इक्वल होता है जीरो टू द पावर इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन डी एक्स के इक्वल होता है। और हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको बीटा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू जीरो टू द पावर वन एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये होती है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमको यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो प्रूफ करनी है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमको प्रूफ करनी है वो हो जाएगा द बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इज इक्वल टू, हमको यहाँ से प्रूफ करना है कि वो इक्वल होगा टू जीरो टू द पावर पाई सॉरी टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा एंड कॉस पावर टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा। अब हमको ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूफ करनी है, और तो हम यहां से जो डेफिनेशन है उसके थ्रू यहां से चलेंगे। तो लिख देते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो जो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू जीरो टू द पावर वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको जो साइन और कॉस में चेंज करना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स जो है इसको हम लेट करना पड़ेगा कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब एक चीज ध्यान रखें, जहां पे भी ए माइनस एक्स आ जाए या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए उस टाइम पे आपको वहां पे लेट करना होता है एक्स को साइन थीटा लेट करें या साइन टी लेट कर, जो भी आप लेट करना चाहें साइन में होगा उस टाइम पे फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए माइनस एक्स आ रहा है उस टाइम पे हम इसको क्या लेट करेंगे, ए माइनस एक्स आता है वहां पर हमको क्या लेट करना होता है साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर यहाँ पे ए साइन थीटा और यहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको लेट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन है वन, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। देन यहाँ पे हम बात करते हैं कि वन माइनस एक्स जो है इसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब जब पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएट भी करना होता है, यानी कि इसकी जगह पे हमको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, जो हम यहाँ से वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे। तो डी एक्स थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर देता है तो ये हो जाता है टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसका जो डिफरेंशिएशन है बहुत सिंपल है आप जानते हैं। देन बात करता हूँ एट में, बात कर लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमको लिमिट भी तो चेंज होगी ना इसकी, हम यहाँ पे लिमिट के लिए बात कर लेते हैं। लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मैं अगर लिखता हूँ तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। ओके, एट थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे जीरो मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू वन, अब एक्स इज इक्वल टू वन होगा तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है नाइनटी की वैल्यू वन होती है, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब हमको यहाँ से तीन काम करने हैं, पहला काम क्या है वो मैं यहाँ पे देख लेते हैं, बीटा एम एन लिख लेते हैं। अब हमको तीन काम क्या करने हैं, इसमें तीन चेंज करने हैं, तो वो हो जाएगा सबसे पहले लिमिट चेंज, जीरो टू पाई बाई टू जो हमारी लिमिट आ रही है जीरो से पाई बाई टू वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सेकंड काम हमारा, हमने जिसको एक्स लेट किया है वो हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा टू द पावर एम माइनस वन, और ये हो जाएगा वन माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर एन माइनस वन। थर्ड काम हमको ये करना है कि dx की जो वैल्यू है उसको पुट करना है, dx की वैल्यू हमारे यहाँ पे टू साइन थीटा डी टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इज इक्वल टू जीरो टू द पावर ये हो जाएगा पाई बाई टू, और इसको मैं क्या करता हूँ इस टाइप से लिख देता हूँ साइन टू द पावर ये हो जाएगा 2m माइनस टू। ओके, इस 2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया और इसके आगे भी मल्टीप्लाई करा दिया। देन क्या होगा, अब मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है उसको मैंने क्या किया ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2m माइनस टू। ओके, इसी टाइप से क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा टू साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब आप एक चीज यहाँ से नोट करें कि इसका ये साइन थीटा बेस है और यहाँ पे भी साइन थीटा, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे वन है। इसी टाइप से यहाँ पे देखें कि ये जो है वो कॉस थीटा है, यहाँ पे
ये cos थीटा है और यहाँ पे ये cos थीटा है, तो इनको हम क्या करेंगे, जो जो है ना बेस इक्वल होते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाती है। तो मैं 2 को तो लिख लेता हूँ बार, और 0 टू पाई बाई 2 ऐसा एज इट इज लिख दिया, ये हो जाएगा साइन थीटा यहाँ से 2m -2 -1, ओके सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, -2 + 1 हो गया, ओके ये जो इसकी पावर 1 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी टाइप से कॉस थीटा की पावर जो है वो 2n है, ओके ये हो जाएगा 2n -2 + 1 d आगे हो जाएगा d थीटा। तो हमारा जो प्रूफ करना है आप देख सकते हैं वो प्रूफ हो रहा है, तो वो हो जाएगा 2 0 to the power, ये हो जाएगा पाई बाई 2 साइन थीटा टू दी पावर, हम यहाँ पे देखते हैं कि 2m -1 हो जाता है, और यहाँ पे देखते हैं cos थीटा टू दी पावर 2n -1 d थीटा के इक्वल हो जाता है। यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं पूरा, ये किसके इक्वल है, यहाँ से ये इक्वल है, हमारा जो प्रूफ करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रूफ करना है इसके इक्वल है। सो आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आई होगी, और इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।